हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह मोहाली। प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर है। मैंने लिखा है धनवान से निर्धन, निर्धन इज इक्वल टू निधन। और उसके बाद मैंने लिखा पूछा क्यों कि यदि धनवान है बंदा, उसको धनवान के बाद फिर निर्धन हो जाए, यदि वो निर्धन हो जाए तो उसका हम निधन ही क्यों मान लेते हैं। तो ये बहुत हार्ड फैक्ट है समाज का, बहुत हार्ड फैक्ट है, क्योंकि मटेरियलिस्ट युग है, इसमें जो पदार्थवादी युग में जिसके पास पैसा है वही सबसे राजा माना जाता है, वही सबसे बड़ा आदमी माना जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो तो किसी तरीके से ज़िंदगी निकाल ही लेते हैं, गरीबी में ज़िंदगी निकाल लेते हैं, कुछ भी उनके पास हो या ना हो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ने की, कई बार आदमी बढ़ भी जाते हैं, कई बार नहीं बढ़ जाते। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो आदमी पहले धनवान था और उसके बाद वो निर्धन हो गया, तो धनवान से बाद जो निर्धन हुआ तो वो उसका निधन कैसे हो गया। दोस्तों सिंपल बात यह है, जब आदमी के पास पैसा रहता है तो आदमी के पास पैसे जब आता है उसके पास सच्चे झूठे मित्र आने शुरू हो जाते हैं। एक इंग्लिश की कहावत है, व्हेन यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ यू विन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज। जब आप जिंदगी में कामयाब हो जाते हो तो आपके चापलूस दोस्त ज़्यादा बनते हैं और दुश्मन भी ज़्यादा बनते हैं। यू विन ट्रू एनिमीज एंड फॉल्स फ्रेंड्स, मतलब आपके ज़्यादा दोस्त जो हैं वो चापलूस या आपके मतलब के लिए आपके पास आ जाते हैं। तो जब ये आदमी निर्धन से फिर निधन हो जाता है तो वो जो आदमी मतलब प्रस्त होते हैं तो वो इनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं, या जो इसके बराबर के सर्कल के आदमी होते हैं वो भी इनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस बंदे के पास अब पैसा नहीं है, यदि ये टाइट है तो ये हमारे से पैसा मांग लिया तो हमने पैसा यदि नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम है, और यदि दे दिया तो भी प्रॉब्लम है, यदि इनसे वापस ना हुआ। ये हमेशा होता है दोस्तों, जो आदमी जिसके पास कार है, यदि आपके पास कार है तो कार आपको मांगमी मिल सकती है, मतलब ये यदि आपकी कार कहीं गई हुई है, कहीं आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़े, आप किसी दोस्त को फ़ोन करो आपको कार भेज देंगे वो। इसी तरीके से आपके पास बाइक है, इसी तरीके से आपके पास कुछ और भी सहूलतें हो सकती हैं। जो आपके पास सहूलत है वो सहूलत आपको समाज प्रोवाइड कर देता है टेम्परेरी तौर पर, लेकिन जिसके पास नहीं है तो उसको बिल्कुल भी नहीं करता। तो अब जब ये धनवान था, ये तो बड़ी मौजें कर रहा था, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन जब इसके पास से पैसा निकल गया तो ये फिर निर्धन हो गया, और ये मतलब इसका जो निधन, मैं निधन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले इसकी आर्थिक मौत होती है। आर्थिक मौत के बाद जब इसकी बंदे की आर्थिक मौत हो जाती है तो आर्थिक मतलब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है तो आर्थिक मौत हो गई। आर्थिक मौत के बाद जो उसके पास होता है उसकी सामाजिक मौत भी हो जाती है, मतलब समाज में उससे लोग कटने शुरू हो जाते हैं। जिस आदमी ने राजे की तरह ज़िंदगी जी हो और उस आदमी को कोई बुला के राजी ना हो, या उसके बुलाने से कोई बंदा ना आए, उसके बात मानने के लिए तैयार ना हो, तो डेफिनेटली वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि यार ये क्या ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी से तो बिना ज़िंदगी अच्छी है, मतलब इसी ज़िंदगी से तो मरना ही अच्छा है। तो ये बातें दिमाग में आती हैं, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो निर्धन को निधन, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि निर्धन का मतलब निधन इसलिए है कि जिस बंदे के पास पहले पैसा है और वो निर्धन हो गया, निर्धन के बाद निधन हो गया उसका, यदि पहले पैसा नहीं है तो फिर कोई परेशानी नहीं है। अब ये क्यों आती है, क्योंकि जो धनवान आदमी है उसके पास लाइफ होती है अलीशान लाइफ, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस मैं बोलता हूँ उसको, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस होती है। तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में आदमी के पास पैसा होता है,
आदमी के पास टाइम होता है, आदमी के पास स्टेटस होता है, आदमी को कोई सोशल फंक्शन होते हैं, जो कहीं टूर्नामेंट हो रहे हैं, कहीं गुरुद्वारे में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है, उसको चीफ गेस्ट के तौर पर भी बुलाते हैं ताकि वो पर्ची कटवा सके। लेकिन जब उसके पास ये पैसा खत्म हो जाता है तो ये लाइफ है जो लाइफ ऑफ पॉपर बन जाती है, कंगाल की जिंदगी बन जाती है। अब एक खुशहाल जिंदगी से, जो खुशहाल जिंदगी से कंगाल जिंदगी की तरफ आ गया, तो वो बंदा किस तरीके से समाज में सर उठा के जी सकता है? तो भाई, जो आदमी समाज में अपने आप को डिप्रेशन में ले लेता है, अपने आप को विवश महसूस कर लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अब, तो उसकी जिंदगी जो है, आप उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया नहीं गिन सकते, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वो जिंदगी मौत वाली जिंदगी ही हो जाती है। हमने बचना है इस बात से यार, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले बंदे परमानेंट अमीर नहीं होते। पैसे को मैनेज करना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी आपको लॉटरी में 5 करोड़ रुपया मिल जाए, या सुशील कुमार की मैं जो बात की थी, सिवान बिहार वाला, जिसने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपये जीता था, यदि उसके पास 5 करोड़ रुपये था जब था, तो उसको कभी कोई बुलाता था, कभी उसके पास फिल्में वाले आते थे फिल्म बनाने के लिए, कभी कोई आता था, उसका स्टेटस रहता था। लेकिन जब उसका पैसा खराब हो गया, तो डेफिनेटली वो जैसे कंप्यूटर टीचर लगा हुआ था, दोबारे फिर उसको कंप्यूटर टीचर लगना पड़ा। उसने अपने फेसबुक पेज पर भी ये लिखा कि मेरी जिंदगी पहले से बदतर हो गई है, मेरे पास 5 करोड़ रुपये आया और 5 करोड़ रुपये मेरे से निकल गया, मेरे से नुकसान हो गया, आई कुड नॉट कंट्रोल, मैं अपना पैसा कंट्रोल नहीं कर सका, ये जिंदगी मेरी जो है ये नर्क से भी ज़्यादा बुरी है। पहले तो जो पहले जब टीचर लगा हुआ था, तो कम से कम उसके पास खर्च करने की हिम्मत नहीं थी, खर्चा नहीं कर सकता था वो। लेकिन एक बार पैसा आने के बाद उसको खर्चा करने की आदत पड़ गई, और खर्चा करने की आदत पड़ने के बाद जब उसके पास पैसा कम होता चला गया, तो डेफिनेटली वो आदमी मतलब कतरा कतरा जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई, आप लोग, यदि आप के पास पैसा है, या आप स्ट्राइव कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमा लेते हो, पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को संभालना बहुत जरूरी है। यदि आप पैसे को संभाल लेते हो, तो आपकी जिंदगी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकती है, लाइफ ऑफ सक्सेस हो सकती है। और यदि एक बार पैसा आ गया, बड़ा पैसा आ गया, और उसके बाद वो चला गया, तो फिर ये कंगाल वाली जिंदगी आपकी हो जाएगी, और ये नॉर्मल कंगाल की जिंदगी से ज्यादा बुरी जिंदगी मानी जाती है ये। तो इन बातों का हमने ध्यान रखना है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि M3 का जो फार्मूला है हमारा, M3 का फार्मूला मनी मेकिंग, मनी मैनेजिंग एंड मनी मल्टीप्लाइंग, इसको हमेशा याद रखना। यदि सुशील कुमार या सुशील कुमार की तरह और बहुत फिल्मी स्टार हैं, हमारे सतीश कौल जी का नाम मैंने कई बार लिया है, 300 फिल्मों में काम किया, पंजाबी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, किसी धार्मिक सीरियल में भी काम किया, लेकिन वो अपना पैसा नहीं संभाल पाए, M3 का फार्मूला नहीं लगा पाए, मनी मेकिंग हो गया लेकिन मनी मैनेजिंग और मनी मल्टीप्लाइंग नहीं हुआ, तो वो आदमी अपना इलाज नहीं करवा सका। बहुत सस्ते से उसमें हॉस्पिटल में उसके दोस्तों ने, या उसके जो चाहने वाले थे, उसके जो फैन थे, उसके जो प्रशंसक थे, उन्होंने उसका इलाज करवाया। AK हंगल साहब, पता नहीं कितने जितने मर्जी नाम ले सकते हो, यदि आप कहानी पढ़ो या किताब डेयर टू फेल किताब पढ़ो, डेयर टू फेल किताब में ऐसे बहुत बंदों का नाम लिया है जिन बंदों ने बहुत पैसा कमाया, कमाने के बाद फिर जीरो हो गए। तो ये जो जीरो होते हैं, तो फिर वो जाके परेशानी में ज़्यादा पड़ जाते हैं। सो दोस्तों, इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हमें कोई ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो डेफिनेटली हम परेशानी में आएंगे। इसलिए कोशिश करो कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, और ये जो फार्मूला है हमारा, M3 का फार्मूला है, ये आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर लो, और अपनी ज़िंदगी में यदि लागू हो गया, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में शांति रहेगी, पीस ऑफ माइंड आपका बना रहेगा, नहीं तो पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब रहना शुरू कर देगा।
आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो।